ये पौधा बिल्कुल प्रॉपरली गड्ढा बना के लगाया गया था। ये देखिए, अब इस पौधे में, ये पौधा लगाने के बाद में सर्दी की वजह से ये पौधा रुक गया था, यहां से रुक गया था, यहां से इसके ऊपर कम से कम 1 फीट का तना था, वो तना 50% सूख गया और यहां तक जिंदा बचा। अब जहां तक ये जिंदा बचा था वहीं से इस पौधे ने साइड से फूटना शुरू किया, जैसे अभी मैंने दूसरे वीडियो के अंदर बताया था, इस पौधे ने साइड से फूटना शुरू किया, वो सूख गया था वो वहीं रुक गया और साइड से चलना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे इसको पानी मिला और ये बढ़ता गया, इसकी मोटाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ये जो जॉइंट बना था ये जॉइंट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अभी तो ये बहुत छोटा है, ज्यादा नहीं है, करीब 5 फीट का पौधा है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये गैप ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और उसके बाद से फिर ये पौधा लगातार चलता जा रहा है। ये देखिए, लगातार चलता जा रहा है, कहीं पे भी कोई भी जॉइंट नहीं है। हाँ, ये नीचे के पत्ते हैं, ये ऑटोमेटिक अपने आप यूं गिरते रहते हैं और ऐसे तना नहीं बनेगा, मतलब साइड में डाल नहीं निकलेंगी, तने के ऊपर से ये पत्ते गिरते रहेंगे। ऐसे मैं बाकी पौधे दिखाता हूं आपको। अभी ये पौधा ऊपर से टॉप से रुक गया है, यहां से रुक गया है, लेकिन अभी इसने वापस चलने की कंडीशन बन गई है और वापस यहीं से चलना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं कि इसके साइड से निकलना शुरू करेगा, साइड में तभी निकलता है जब ऊपर का टॉप यहां से लेके और नीचे तक का तना सूखना शुरू कर देता है और जहां तक सूख जाता है उसके नीचे से फिर वापस से फूटना शुरू करता है। अभी ये सूखा नहीं है, अभी रुका हुआ है, तो ये वापस यहीं से चलना शुरू कर देगा। ऐसे ये पौधा भी अब यहां से चलने की तैयारी कर रहा है और ये तना भी नीचे से, ये पौधा भी नीचे से सूख गया था, ये सूखी वाली डंडी इधर साइड में रखी है और यहां से इसने वापस फूट के और वापस चलना शुरू कर दिया। देखो, ये सभी पौधों में ऐसा हुआ था, सभी पौधे यहां से सूख गए थे और सूखने के बाद में फिर वापस इन्होंने चलना शुरू किया है। ये पौधा भी सूख गया था, ये पौधा भी सूख गया था, लेकिन इसमें क्या है, ड्रिप लाइन डली हुई है, तो ड्रिप लाइन के अंदर हमेशा पानी चल रहा था तो उसकी वजह से इसको नमी मिलती रही और पेड़ चलता रहा। ये देखिए, ये देखिए, ये सभी पौधे सूख गए थे लेकिन मरा एक भी नहीं। बस जैसे बाकी, ये इसके बगल में अशोक का पेड़ लगा है, इस पेड़ को जिंदा रखने के लिए ये ड्रिप लाइन चालू रखी और इसको भी पानी मिलता रहा, पानी मिलता रहा, तो ये पौधा भी वापस फूटना शुरू कर दिया और अब भी बढ़िया से चल रहा है, इसमें नई पत्तियां निकल गई हैं। ये देखो, तो पौधा मरता नहीं है कभी भी, हम क्या करते हैं, मरा हुआ समझ के उसको पानी पिलाना छोड़ देते हैं, उसका केयर करना छोड़ देते हैं, इसलिए पौधा मर जाता है, अदरवाइज पौधा मरता नहीं है। हाँ, अगर तना नीचे तक बिल्कुल ही सूख गया है तो अलग बात होती है, उस कंडीशन में फिर उसको हटा के उसकी जगह पे दूसरा पौधा लगा सकते हैं। ये देखिए, सभी पौधे बढ़िया से चल रहे हैं। ये चंदन का पौधा लगा हुआ है, चंदन के भी कुछ पौधे लगा के रखने चाहिए, बढ़िया से चलता रहता है। ये देखिए, बढ़िया से चल रहा है, एक पीछे भी है। ये देखिए, ये चंदन का पौधा है, लाल चंदन, लाल चंदन, ये सभी क्या एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, इनमें सब में ड्रिप से पानी चलता रहता है, सभी पौधों को पानी मिलता रहता है। ये देखिए, ये देखिए, अभी इसका टॉप रुका हुआ है लेकिन पत्ते बहुत बढ़िया से चल रहे हैं, अभी इसका टॉप भी चलना शुरू कर देगा। ये अशोक का पेड़ सूख गया था लेकिन अभी इसने वापस फूटना शुरू कर दिया है। तो पौधा किसी कारणवश, हो सकता है इसके नीचे तने के अंदर कोई दीमक लग गई हो या इसको
और कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो उस वजह से पौधा एक बार के लिए रुक जाता है, लेकिन जब तक उसका तना नहीं सूख जाए तब तक ऐसा नहीं कि उसको हम पानी पिलाना या केयर करना बंद कर दें। ये देखिए, हाँ, लेकिन अभी ये सर्दी का टाइम शुरू हो गया है। सर्दी के टाइम में क्या है कि पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन पौधा जिंदा रहता है। ये एप्पल बेर का पेड़ है, ये देखिए, ये तना भी यहां से सूख गया था, लेकिन इसको पानी मिलता रहा, इसकी वजह से इसने वापस फूटना शुरू किया, अब वापस से बढ़िया से चल रहा है। पौधे का तना जब तक नहीं सूख जाए पूरा नीचे तक, तब तक पौधे को छोड़ना नहीं चाहिए, और पौधे को अगर टाइम से पानी मिलता रहेगा तो सभी पौधे बढ़िया से चलेंगे। देखिए, ये सफेद चंदन का है, ये सफेद चंदन का प्लांट है, ये भी बढ़िया से चल रहा है। ये देखो, लगाने के बाद में काफी पत्तियां निकल गई हैं इसमें। ये महोगनी का पौधा है, सभी बढ़िया से चल रहे हैं, पानी मिलता रहेगा। हालांकि शुरुआत में इनमें जरूर दीमक की दवा दो बार तीन बार डाली गई है, उसके बाद से इनमें कोई दवा नहीं डाली गई है और ना कोई खाद। ये सभी पौधे दीवार के पास पास में लगे हुए हैं। दीवार के पास पास में पौधों को लगाने का फायदा ये होता है कि दीवार के पास की जो जगह होती है या मेड़ के पास की जो जगह होती है वो हमारी जगह ज्यादातर ऐसे ही पड़ी रहती है। वो इसके पास पास में हम जब पौधे लगा देते हैं तो कम से कम ये पौधे जो बीच में जो खेती की है, ये इधर सब्जी लगी हुई है, ये सब्जी लगी हुई है, तो ये सब्जी के अंदर जो पानी लगता है वही पानी सब्जी के अंदर, गेहूं के अंदर, सरसों के अंदर, जो भी हम फसल करते हैं उस फसल का जो पानी होता है वही पानी की नमी इन पौधों को मिलती रहती है और उसी नमी के साथ में ये पौधे चलते रहते हैं। तो ये मेड़ के ऊपर ये पौधे बढ़िया से चलते रहते हैं और एक टाइम के बाद में इनकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है, अच्छा आउटपुट दे देते हैं, और बाकी जो स्पेस हमारा बीच में बचा है ये वाला स्पेस हम प्रॉपरली सब्जी के लिए यूज कर सकते हैं, ताकि हमें ट्रैक्टर वैक्टर कुछ भी चलाने में, हकाई जुताई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेड़ के पास में तो कंपलसरी पौधे लगा देने चाहिए। एक टाइम के बाद में जब पौधे तैयार हो जाते हैं उस टाइम पर एक अच्छी खासी इनकम मिल जाती है। ये सभी स्वीटनी अफ्रीकन मोगनी के पौधे हैं। इसी तरह आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिलती रहे उसके लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं और उसके बाद में शेयर करें। धन्यवाद।